वेलकम बच्चों, लॉकडाउन में आप लोग का क्लास रेगुलर हो इसके लिए ऑनलाइन वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। आप लोग बस मन लगा के पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पे क्लास टेंथ के लिए बहुत सारा वीडियो हम देते रहेंगे। हिस्ट्री का हम लोग शुरू कर चुके थे क्लास और अभी से हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं वो बायोलॉजी का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी का एक चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि चैप्टर पूरा आप लोगों को हम खत्म कराएं, ठीक है ना। तो बायोलॉजी का जो चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे उसका नाम है पर्यावरण। सबसे आखिरी लेसन है पर्यावरण। इस पर्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंट। तो ये लेसन हम लोग शुरू करेंगे, छोटा सा लेसन है, लगभग 3-4 से 5 क्लास पढ़ेंगे ना तो ये मेरा लेसन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इस लेसन का नाम है पर्यावरण। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमको ये बनेगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय एनवायरमेंट। एनवायरमेंट किसे कहते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं, तो इसका लिखिएगा सबसे पहले पर्यावरण के बारे में। चलिए इसको शुरू कर रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में, कि किसी जीव के चारों ओर फैली हुई अजैव और जैव, सब समझा रहे नोट कर लीजिएगा, अजैव और जैव कारकों से बनी दुनिया जिसमें वह निवास करता है, जिसमें वह निवास करता है या जिससे वह प्रभावित होता है, जिससे वह प्रभावित होता है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। देखिए क्वेश्चन है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो किसी भी जीव के चारों, कोई भी जीव है, उसके चारों ओर फैली हुई अजैव और जैव कारकों से बनी दुनिया। यानी कि मान लीजिए कि हम एक जीव है, ऑब्वियसली हम एक जीव है। हमारे चारों तरफ दुनिया दो तरह का, या तो जैव या तो अजैव। जैव का मतलब हो गया लिविंग, बायोटिक। अजैव का मतलब हो गया नॉन लिविंग, एबायोटिक। तो किसी भी जीव के चारों ओर फैली हुई अजैव और जैव कारकों से बनी दुनिया जिसमें वह निवास करता है या जिससे वह प्रभावित होता है पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों तरफ दो तरह का है, एक जैविक एक अजैविक चीज, और हम निवास कर रहे हैं यहां पे कोई भी चीज। जैसे देखिए हवा अजैव है, मच्छर जैविक है, तो जैविक और अजैविक चीज हमारे चारों तरफ, पेड़ पौधा जैविक है, अभी जो हवा लग रहा है वो अजैविक है, सूर्य का प्रकाश रहेगा वो अजैविक है। तो अजैविक और जैविक चीज से बनी हुआ दुनिया जिसमें निवास कर रहे हैं हम और उससे हम प्रभावित भी होते हैं, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो प्रभावित होते हैं, तो जिससे हम प्रभावित होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। सिंपल साइंस और पर्यावरण वातावरण का ऐसे याद रखना, किसी जीव के चारों तरफ, किसी भी जीव के चारों तरफ
जैव और अजैव चीजों से बनी हुई वह दिन वह दुनिया जिसमें वह रहता है, निवास करता है या जिससे वह प्रभावित होता है, उसे हम कहते हैं पर्यावरण। नहीं याद होगा? याद होगा? कैसे नहीं याद होगा? किसी जीव के चारों तरफ, किसी जीव के चारों तरफ जैव और अजैव पदार्थों से बनी हुई दुनिया, किससे बनी हुई? जैव और अजैव पदार्थों से बनी हुई दुनिया जिसमें वह निवास करता है या जिससे वो प्रभावित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस लेसन से पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। अब आगे आइए, एक पॉइंट स्टार हमारे लिए लिखना है कि पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत अंतर्गत जलमंडल कॉमा हाइड्रोस्फीयर जिसको कहते हैं, स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहते हैं कॉमा वायुमंडल तथा जैव मंडल आते हैं। जैवमंडल पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल पानी वाला पूरा कहानी, स्थल मंडल जमीन वाला, वायुमंडल हवा वाला तथा जैवमंडल, ये जो जैवमंडल है ये तीनों में जाएगा। जहां जहां जीव रह रहा है वह जैवमंडल है। तो जैवमंडल का कुछ पार्ट्स जलमंडल में भी है, इसका कुछ पार्ट्स स्थल मंडल में भी है, इसका कुछ पार्ट्स वायुमंडल में भी है। तो जैवमंडल का मतलब हो गया तीनों मिलाकर के जैवमंडल। देखिए पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सा चीज आता है, तो हम चारों चीज का बता देंगे। पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल एंड जैवमंडल आते हैं। जलमंडल को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल को कहते हैं लिथोस्फीयर, वायुमंडल को कहते हैं एटमोस्फीयर और जैवमंडल को कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है ना, तो ये सब का सब इसके अंदर आता है। तो पहला क्वेश्चन था पर्यावरण किसे कहते हैं, दूसरा पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सा मंडल आता है, चारों मंडल के बारे में याद रखना। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा पारितंत्र किसे कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र किसे कहते हैं, इको सिस्टम। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे इको सिस्टम के बारे में, तो इको सिस्टम के बारे में हम लोग सीधा सीधी बोलेंगे कि इको सिस्टम का मतलब हो गया है अजैव घटक प्लस जैव घटक, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट दोनों को जोड़ देंगे तो वही मेरा पारिस्थितिक तंत्र होगा। कहीं भी जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के मिलन को, दोनों को मिला करके कंबाइन ही कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। वैसे इसका आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र का जीव मंडल के विभिन्न घटक, विभिन्न घटक मतलब दो घटक जैव घटक और अजैव घटक, विभिन्न घटक जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच, तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का, ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान
आदान प्रदान सभी को एक साथ मिलकर, सभी एक साथ मिलकर मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो जीव मंडल के विभिन्न घटक, विभिन्न घटक मतलब जैव घटक और अजैव घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान, अजैव और जैव के बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होता रहता है, एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखना, जैविक घटक तथा अजैविक घटक के बीच में ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान जो होता है, ये सब मिलकर के एक साथ बनाता है पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इको सिस्टम। जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा इसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी में आगे ऐड कर लेना, यह जीव मंडल का एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। देखिए एक और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछेगा, 3 मार्क्स में पूछेगा, जैसे पूछेगा यहां से लिखना शुरू करिएगा। जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उनके बीच, उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। यह यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, यह जीव मंडल का एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी कि बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, तो यह है पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इको सिस्टम। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन एक और कंप्लीट हो गया कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र के कुछ उदाहरण इसको हटा देना। अब 2 चीज है, एक पूछेगा पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रकार हैं यहां पे, एक है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र और एक है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन कि 2 प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण दे, 2 कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण दे। तो पहले तो सबसे पहले इसका हम क्या लिखेंगे, प्राकृतिक यानी के नेचुरल इको सिस्टम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 2 नेचुरल इकोसिस्टम का नाम लिखे, यानी कि 2 प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखे। तो 2 क्या हम आपको 2, 3, 4 लिखा देना है, ठीक है ना। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले लिखना है 1 जंगल कौमा समुद्र कौमा तालाब। दोनों तरह का होगा, कृत्रिम भी होगा मतलब नेचुरल भी होगा और कृत्रिम भी होगा। तो अभी हम लोग नेचुरल पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पढ़ रहे हैं जो प्रकृति ने पारिस्थितिक तंत्र को बनाया है, जंगल है समुद्र है तालाब है झील है। उसके बाद अगला है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र,
यानी कि ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसको इंसान बनाया है, जैसे कि खेती, खेत, कृषि भूमि, कृषि भूमि इंसान बनाया उस पारिस्थितिक तंत्र को। उसके बाद पार्क इंसान बनाया, फुलवारी, और एक और मछली पालने के लिए होता है जल जीव सारा, जल जीव सारा, जल जीव सारा जिसको हम लोग एक्वेरियम कहते हैं, मछली वाला शीशा वाला जो घर होता है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में तो हम समझ गए जिसमें जिसमें बायोटिक और एबायोटिक यानी कि जैविक और अजैविक घटक हो उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। देखिए सबसे नाले का, किसी भी नाले का एक बूंद पानी अगर हम निकालेंगे, वन ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ एनी नाला, किसी भी नाला का एक ड्रॉप पानी हम निकालें, एक बूंद पानी, तो वो पानी जो है अपने आप में एक पानी का जो वो एक बूंद है वो अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि उसमें जैविक घटक भी है और अजैविक घटक भी है। जैसे कि उस पानी के बूंद में कितना बैक्टीरिया, होगा, कितना प्रोटोजोआ होगा, कितना एल्गी होगा, वो सब तो लिविंग चीज है, तो जैविक घटक हो गया। और कितना जो है उसके अंदर नॉन लिविंग चीज है, जैसे पानी खुद है, उसका टेम्परेचर है, उसका प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, यानी कि एक छोटा सा एक बूंद पानी जो निकाले वो भी अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, और एक बहुत बड़ा जंगल भी क्या अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र दो तरह का है, एक अपने आप जो नेचर हमको दिया है वो, और एक जो इंसान बनाया है। इंसान खेत था, इंसान गया खेत में, हल चलाया, हल के बाद उसमें गेहूं का पेड़ आया, गेहूं का पेड़ आया, गेहूं के पेड़ के आसपास बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा सब आया, खाने पीने के लिए आने लगा कीड़ा मकोड़ा सब। तो कीड़ा मकोड़ा, गेहूं का पेड़, ये सब जैविक घटक हो गया, और उसके अंदर का मिट्टी, टेम्परेचर, हवा, प्रेशर, ये सब अजैविक घटक हुआ, दोनों मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बना लिया, यानी कि गेहूं का खेत अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, जंगल अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का दो तरह है। इसमें क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि दो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण दें, तो कोई भी दो दे देना। दो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, इंसान से बनाया हुआ पारिस्थितिक तंत्र, तो इस चारों में से कोई भी दो लिख देना। दो नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, इस दोनों में से कोई लिख देना। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के घटक यानी कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, जो कि जैविक और अजैविक घटक है, उसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास यही रहने देना है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।